अच्छा हाँ, तो कोई भी अगर श्रीनगर गढ़वा आ रहा है तो सबसे पहले एक काम करे कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने दो बस अड्डे हैं, बस अड्डा एक ही है, मतलब वहाँ दो बसें चलती हैं, एक तो गवर्नमेंट की तरफ चलती है, एक प्राइवेट चलती है। तो प्राइवेट जो है वो 1 बजे तक चलती है, गवर्नमेंट की सुबह सुबह चलती है, मतलब सुबह सुबह 4 बजे 7 बजे से। बेहतर ये है कि प्राइवेट में आ सकते हो, 1 बजे के बाद कोई भी बस नहीं चलती, 1 बजे के बाद चलेगी नॉर्मल ट्रैकर चलते हैं, वो ट्रैकर तो 3-4 बजे भी चलते हैं। उनका 400 रुपये फीस होती है 1 पर्सन की, 270 रुपये 280 रुपये प्राइवेट बसें की होती है, और बसें ज़्यादा चलती हैं प्राइवेट, और वो प्रॉपर तुमको हरिद्वार से निकालेंगी, ऋषिकेश ले जाएंगी, ऋषिकेश के बाद तीन धारा के बाद देवप्रयाग से सीधा श्रीनगर गढ़वा, लगभग 6 घंटे की दूरी है। जब आप एक बार श्रीनगर पहुंच जाएंगे, बस वाले बोल देंगे यार हम लोग चौरास पुल तक छोड़ देते, चौरास पुल सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर आगे है, वहाँ पैदल भी आ सकते हैं, बस में बैठे हुए भी आ सकते हैं। वहाँ उतरेंगे आप, चौरास पुल का गेट आएंगे, उस गेट से होते हुए चौरास का पुल होते हुए चौरास में आप एंटर करते हैं, वहाँ पे HNBGO का चौरास वाला कैंपस आ जाता है। यही है फंक्शन, समझ में आ गया।